हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग है एंड बहुत स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं वो इसी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए भी नहीं है उनको पहले से इस टॉपिक की टेंशन हो रही है। सो दिस वीडियो इज ऑल गोना बी अबाउट हाउ आई फाउंड माई पार्ट टाइम जॉब हेयर इन कैनेडा। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो अगर बात करें तो मैं आई थी कनाडा में लास्ट ईयर, मेरा इनटेक था सितंबर, और सितंबर इनटेक में आने का सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब ये सारे मंथ्स चल रहे होते हैं सो यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं और फेस्टिवल्स में क्या होता है कि हर जगह बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही होती है। सो इस चीज़ का मेरे को सबसे पहला बेनिफिट हुआ। जब मैं यहाँ पे आई थी पहले एक दो हफ्ता तो मैंने रेस्ट किया, चिल किया, यहाँ की वाइब इंजॉय की एंड अपने फ्रेंड से बात की जो मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स थे, उनसे पूछा कि कैसे मैंने जॉब अप्लाई करनी है या उन लोगों को अपनी जॉब कैसे मिली, सो अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एंड अपने थर्ड वीक में मैंने अपना रेज्यूमे बनाया एंड जिस भी जॉब में मैं अप्लाई कर रही थी उस जॉब के अकॉर्डिंग मैंने पहले तो अपने रेज्यूमे चेंज किया एंड देन जो भी डिफरेंट जॉब्स थी वो अप्लाई की। सो नवंबर और दिसंबर के आसपास जो सीजनल हायरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट हर जगह। सो वैसे ही मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया एंड उसी ड्यूरेशन में मुझे मेरे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल आया। सो थोड़ी सी बात करते हैं मेरे बैकग्राउंड की। अगर आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता सो इंडिया से मैं अपनी ग्रेजुएशन करके आई हूँ। आई एम ऑलरेडी अ डॉक्टर एंड यहाँ पे जो मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लेकर आई थी। सो अगर मैं बात करूँ कि मैंने अपनी फील्ड जॉब में क्यों नहीं ट्राई किया, सो अपनी फील्ड जॉब में ट्राई करने के लिए मुझे जो था वो कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए था जो कि मुझे मेरा जब मैं कोर्स कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद ही मिलना था। बट फॉर द टाइम बीइंग सर्वाइवल तो करना ही है, अपनी सारी GIC भी बचानी है, फी पे करनी है। सो उस सब के चलते अपनी फील्ड जॉब ही मैंने अप्लाई की एंड जो बाकी जॉब्स थी रिटेल में या और भी जो वेरियस जॉब्स थी मैंने वो सब जगह भी अप्लाई किया। अगर फील्ड जॉब में मिल जाती वेल एंड गुड एंड अगर उसमें नहीं मिलती तो कहीं और तो मिल ही जानी थी। सो इसी के चलते हुए मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया था एंड फाइनली मुझे मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहला कॉल आया। सो पहला स्टेप था इंटरव्यू तक पहुंचना। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने अपने रेज्यूमे बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया था। अब इंटरव्यू का कॉल तो मुझे आ गया, अगला स्टेप था इंटरव्यू क्लियर करना। अब वो क्लियर करने के लिए मैंने अपनी बहुत ज्यादा रिसर्च की, अपने फ्रेंड से पूछा कि उनको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था एंड उन लोगों के एक्सपीरियंस जाने एंड अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। एंड जब मैं इंटरव्यू देने गई थी सबसे पहली चीज जो मैंने अपने दिमाग में रखी थी वो था कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ। मैंने ऑल ब्लैक पहना था, फॉर्मल पहना था। उससे जैसे मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया कि आप पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी आप लोग जाके देखिए, आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि मैंने कैसे कैसे और कहां कहां अपनी जॉब्स अप्लाई की। सो या अब कंटिन्यू करते हैं कि मैं वहां पे वेल ड्रेस्ड होकर गई थी एंड 30% इंटरव्यू तो जो मेरा इंटरव्यू था उसने मेरे को देखा एंड आई एम 100% श्योर कि वो पहले ही इंप्रेस हो गया होगा क्योंकि मैं वेल ड्रेस्ड थी। तो ये टिप मेरा आप लोगों के लिए भी है, अगर आप लोग अपने पहले दूसरे किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वेल ड्रेस्ड होके जाएं, कोशिश करें कि आप ऑल ब्लैक पहने एंड थोड़ा प्रेजेंटेबल लग के जाएं, आपका 30% तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सो आगे मैं इंटरव्यू तक पहुंची, वहां पर मैं गई, मेरे आगे भी 3-4 और भी बच्चे थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था। जो हायरर था, रिक्रूटर था, वो उनको साइड पे लेके जा रहा था, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, सब उनसे पूछ रहा था। सो जब मेरी बारी आई मैं वहां पे गई, उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मेरी क्वालिफिकेशन पूछी एंड मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी अवेलेबिलिटी क्या है। सो मेरे टाइम पे जो मेरा वाला बैच था सितंबर इनटेक था, उस बैच का जो उस टाइम रूल निकला था कि हम लोग 20 आवर्स की जगह 40 आवर्स काम कर सकते हैं, जो कि अब तक वैलिड है। जो लोग भी जिनका कोर्सेज चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सब लोग 40 आवर्स काम कर सकते हैं। सो मेरे लिए वो पॉजिटिव पॉइंट था। वहां पे स्टूडेंट्स जो मेरे आगे थे मैंने उनको बोलते हुए सुना था कि उनके पास सिर्फ 20 आवर्स हैं, मेरे को ये बेनिफिट था मेरे पास 40 आवर्स थे। सो यही चीज मैंने उनको बताई क्योंकि रिक्रूटर को क्या चाहिए, उन्हें हमारी ओपन अवेलेबिलिटी चाहिए, ज्यादा आवर्स चाहिए, क्योंकि जो सीजनल हायर्स होते हैं उनको हायर ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका जो स्टोर होता है या उनकी प्लेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। सो अगर वो, जैसे मेरी अवेलेबिलिटी हफ्ते की एक दिन है, वो मुझे क्यों हायर करेंगे। सो इसीलिए मुझे वहां पॉजिटिव पॉइंट मिला, मैंने 40 आवर्स बोले एंड वो उसी टाइम मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा कि वो इम्प्रेस हो चुकी है।
सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअल में इंटरव्यू किस चीज का देने गई थी। अब फूड बिजनेस जो है वो काम थोड़ा सा मुश्किल है, सारे लोग वहां भी काम करते हैं, बट मैं वहां पे काम नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे इतना डिफिकल्ट काम नहीं करना था। सो मैं जो इंटरव्यू के लिए गई थी वो था एक रिटेल स्टोर के लिए, काफी हाई एंड ब्रांड था, सो मैं उसके लिए इंटरव्यू देने गई थी। सो अवेलेबिलिटी की मैंने उनको बताई, देन उन्होंने उसके बाद मेरे को पूछा कि मैं, मतलब अवेलेबिलिटी तो मेरी पूरी थी, या किस किस, अब मैं कॉलेज तो जा ही रही थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि किस किस दिन मेरी क्लासेस हैं, किस किस दिन मेरी क्लासेस नहीं है। सो आई थिंक मेरी 2 दिन क्लासेस थी, बट मेरी क्लासेस थी ऑनलाइन। यहाँ पे मुझे एक और बेनिफिट हुआ, 9 to 3 मेरी क्लासेस थी, मैंने उनको अपनी अवेलेबिलिटी उस दिन की भी दी कि मैं 4 to क्लोजिंग काम कर सकती हूँ। सो ऑलमोस्ट मेरा हर दिन उनके पास अवेलेबल था, जो कि उनको एक सीजनल हायर में चाहिए था। सो इस सब के बारे में तो मैंने आपको बताया। सो अगला उन्होंने मुझे, जो रिक्रूटर था, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को एक पूरा कंप्लीट आउटफिट तैयार करना है $200 के अंदर। मतलब उन्होंने मुझे एक बजट दिया था कि मेरे पास $200 हैं, और मैंने उनके पूरे स्टोर में से एक बहुत ही अच्छा वेकेशन के लिए आउटफिट रेडी करना है एंड देन उनको दिखाना है। और इस टास्क के लिए उन्होंने मुझे 15 मिनट्स का टाइम दिया था। तो सबसे पहले मैं स्टोर के अंदर गई, मैंने एक पूरा राउंड लिया स्टोर का कि वहां पे एक्सेसरीज हैं, बैग्स हैं, टॉप्स हैं, जीन्स, शॉर्ट्स, जो भी हैं, पूरा मैंने राउंड लिया। एंड देन मेरे को पसंद है मोनोक्रोमेटिक लुक्स, उसका मतलब होता है कि सारी एक ही टोन में, लाइट डार्क का मिक्स नहीं, सब लाइट लाइट ही। तो उस अकॉर्डिंग मैंने एक टॉप चूज किया, एक लोअर चूज किया, शूज चूज किए, उसके साथ मैचिंग बैग चूज किया एंड ग्लासेस चूज किए। एंड एट द एंड मैंने उसको पूरा टेबल पे रखा एंड देन 15 मिनट्स के टाइम के अंदर ही मैंने ये सब कुछ किया। उसके बाद रिक्रूटर, मेरे साथ और भी लोग थे, वो भी अपने आउटफिट्स रेडी कर रहे थे। सो उन सबके आउटफिट्स वो धीरे धीरे रेट कर रही थी एंड जो उसके पास क्लिपबोर्ड एंड पेपर था उसके ऊपर वो मार्किंग्स कर रही थी। एंड जब वो मेरे पास आई, उसको मेरा आउटफिट जो मैंने क्रिएट किया था वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड उसने मुझे उसी टाइम बोला कि दैट शी इज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। सो मेरे दिमाग में था कि चलो 30% तो जो मैं प्रेजेंटेबल बन के गई थी उससे क्लियर हुआ, उसके बाद मेरी अवेलेबिलिटी, वो पॉजिटिव पॉइंट था, एंड थर्ड जो उसने मेरे को टास्क दिया था वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया। सो बंदे के ना दिमाग में हो जाता है कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। सो उस टाइम मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सो ये था जो उसने मेरे को टास्क दिया था। उसके बाद जो उसमें से, जैसे हम लोग 5 जो लोग थे वो एक ही साथ थे, उसमें से उसने हम 2 लोगों को सिलेक्ट किया एंड देन उसको वो फर्दर, जो मेरे आगे एक लड़की थी उसको क्वेश्चंस पूछ रही थी। उस टाइम जो मेरे पास था कि नेक्स्ट टर्न मेरी थी, मैं अपने दिमाग में क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही थी, आंसर सोच रही थी कि अगर वो मेरे से ये पूछेगी तो मैं ये आंसर दूंगी या जो भी होगा, आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड। सो देन आई मेरी बारी। उसके बाद उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, थोड़े उसने क्वेश्चंस पूछे मेरे सिचुएशन बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कस्टमर एट अ टाइम आ रहे हैं, आप उनको कैसे डील करोगे। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया कि मैं एक को जो हेल्प करूंगी और दूसरे से थोड़ा 10-20 सेकंड का टाइम मांगूंगी एंड देन साइमल्टेनियसली दोनों को हेल्प करूंगी ताकि जो एक कस्टमर है वो इग्नोर ना फील करे एंड दोनों को अच्छी कस्टमर सर्विस मिले। सो वो इस आंसर से भी इम्प्रेस हो गई थी। सो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, जो आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन था जो उसने मेरे से पूछा था कि अगर मेरे पास कोई बहुत ही एंग्री कस्टमर आ रहा है तो मैं उसके साथ कैसे डील करूंगी। सो सबसे पहले मैंने उसको चीज यही कही थी कि हम वहां पर जॉब कर रहे हैं कस्टमर सर्विस की, सो कुछ भी हो जाए, हमें कस्टमर एंग्री है, रूड है, जैसा भी है, उसको अच्छी कस्टमर सर्विस ही प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले मैंने उसको ये चीज बोली थी कि मैं पहले तो मैं काम रहूंगी, पेशेंट रहूंगी एंड पहले उसकी बात सुनूंगी कि उसे क्यों गुस्सा आ रहा है, उसको किस चीज में हेल्प नहीं हो रही एंड उसको जिस भी चीज में हेल्प चाहिए होगी मैं आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी एंड देन उसको काम डाउन करूंगी, उसकी पूरी हेल्प करके एंड उसको एक, जैसे वो रूड तरीके से मेरे पास आया था, खुश होके ही जाए वहां से। सो या ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन जो उसने मेरे से पूछा था। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद उसने मुझे बोला बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ कि या शी विल गिव मी अ कॉल इन 1-2 डेज। एंड सैटरडे को मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड संडे को मॉर्निंग में मुझे उनसे उनका कॉल आया कि या आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है एंड आपका ये पे रेट है जो भी है एंड यू कैन ज्वाइन आर स्टोर फ्रॉम मंडे। तो सैटरडे को मैंने इंटरव्यू दिया एंड मंडे से मेरे पास जॉब थी। आई वॉज वेरी 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 हैप्पी जब मैंने ये न्यूज सुनी। सो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस कि मेरे को मेरी फर्स्ट जॉब
कैसे मिली थी और मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया था। सो आजकल बहुत जगह या बहुत लोग या हर जगह यही न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि कनाडा में जॉब्स नहीं है। सो अगर मैं बात करूं तो घर बैठे बैठे तो आपको अपनी कंट्री में भी जॉब नहीं मिलेगी, तो कनाडा तो बहुत दूर की बात है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एंड अगर आप सही तरीके से चलोगे, सही तरीके से अपना रेज्यूमे बनाओगे, हर जॉब के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, थोड़ी सी हसल तो आप लोगों को करनी पड़ेगी एंड आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी, सबको जॉब मिलती है। जो यहाँ पे आते हैं वापस तो कोई भी नहीं गया है, एक्सेप्ट उनको कोई इमरजेंसी या फैमिली कंडीशन या कुछ एक्सेप्शन कोई नहीं है। यहाँ पे जो सारे आते हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए ही आते हैं। एंड अगर आप सोच के आए हो कि आपने अपना करियर यहाँ पे बनाना है तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करो, बजाय कंप्लेन करने के कि ये जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब नहीं मिल रही। जॉब्स हर जगह हैं, बस आपको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। सो मैं तो आप सब लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि ये जो फालतू की न्यूज है कि जॉब नहीं है, कनाडा मत आओ, यहाँ मत करो, ये सब पे ध्यान ना देके अपनी स्किल्स पे फोकस करो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अगर बना सकते हो अपना रेज्यूमे तो इंडिया से ही अपना या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो अपना रेज्यूमे बनाकर लेके आओ, ताकि यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो उसका रेज्यूमे बना के आओ, अगर आप रिटेल में इंटरेस्टेड हो उसका रेज्यूमे बना के आओ, अपना टाइम वेस्ट ना करो, फालतू के र्यूमर्स पे ना जाओ, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने आप को उतना स्किल्ड बनाओ ताकि आप यहाँ पे आओ तो आपको इतनी ज्यादा जैसे लोगों को जॉब नहीं मिली जो भी वो आपको सब फेस ना करना पड़े एंड आप अपना सक्सेसफुली एक करियर यहाँ पे स्टार्ट कर सको। सो या एक छोटी सी और टिप कि अगर आप कनाडा आने का सोच ही रहे हो तो कोशिश करो कि आप सेप्टेम्बर इनटेक में आओ, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा आपको मिल जाएंगी। एंड सो इसी के साथ सारी की सारी नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, आप लोगों को भी जॉब मिलेगी एंड आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इंटरव्यूज कैसे क्लियर करने हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे को अपनी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी या कुछ सीखने के लिए मिला होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव एंड एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ भरी हुई वीडियो आगे आती रहेंगी। सो मेरे चैनल के साथ बने रहे, इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।